नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो हमारा नया नियो डीएचटी सिस्टम है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो हमने मशीन डेवलप करी है। जितने एमिनेंट पत्रकार हैं चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हमने इवेंट किया एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। लोग देख के हैरान थे कि हमारे इंडिया में भी इस तरीके का टैलेंट है। 2016 में हम इसके पीछे पड़े एज ए टीम। मेरे मित्र हैं वो आईआईटी दिल्ली के अंदर है, तो उनके साथ और कुछ हमारे पैथोलॉजिस्ट मित्र हैं उनके साथ हमने सारे रिसर्च शुरू करी कि अननेचुरल रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं ये वाला एरिया। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपको बाल अलग अलग दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने सुई धागे से उसको पिरो रखा हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि देखिए ये मैंने चीज़ इम्पोर्ट करी है, ये अमेरिका की है और इस वजह से आप इसकी आप समझिए कि क्वालिटी है। उसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है। हम लोग ये चीज़ हमने इंडिया में डेवलप करी है, प्रोसेस इंडिया में डेवलप किया एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और इसके रिजल्ट्स आप देखिए, इसके रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। ये जितना टर्की फर्की जितना भी ये चल रहा है, यूएस का चल रहा है, उनके रिजल्ट्स और हमारे रिजल्ट्स को डायरेक्टली आप कंपेयर करके देखिए। जो मैं बोलता हूँ कि ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट अगर हमारा बोल रहा है 99 to 100% है, तो वो है, लाइव वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, लाइव पेशेंट्स के अंदर दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो रिजल्ट देना इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन रिजल्ट एक उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में देना जितना प्रॉमिस कर रहे हो, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि 2200 ग्राफ्ट्स के अंदर मैं रिजल्ट दे दूंगा। अब 2200 के 2200 ग्राफ्ट्स में प्लस माइनस 10 या 15 ग्राफ्ट्स में दे रहा हूँ, दैट इज समथिंग लेजिबल। उससे क्या है कि आपके डोनर एरिया पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत ही वीक डोनर एरिया है और मैं उसमें से भी रिजल्ट निकाल के ला रहा हूँ, क्योंकि इतने ग्रेड 7 बॉलनेस के अंदर से भी अगर कोई सिस्टम आपकी रूट्स को प्रिजर्व करके निकालता है और फिर उसको ट्रांसप्लांट करके आपको रिजल्ट देता है, दैट इज अप्रिशिएबल। सो सारी हमारी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए, सारे क्वेश्चन का बिंदास हमने जवाब दिया। बहुत सारे पत्रकार भाइयों को हमने ऑप्शन दी कि अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, अगर आप खुद आना चाहते हैं, यूट्यूब पे लाइव आइए, आप हमारे साथ आपको करके दिखाएंगे और फिर आपको रिजल्ट्स पे विश्वास हो जाएगा। सो बहुत अच्छा जा रहा है न्यू डीएचटी सिस्टम। जिन लोगों का पहले कुछ ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, कुछ उनके साथ ऐसा हो गया किसी भी वजह से, वीक डोनर एरिया है, ट्रेडिशनल एफईवी से करवाया है, ग्राफ्ट सर्वाइवल अच्छा नहीं आया, कुछ गैप दिख रहे हैं हेयर लाइन के अंदर, अननेचुरल हेयर लाइन दिख रही है, तो उसमें हमारा जो न्यू डीएचटी प्लस स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन का हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं आपको, तो मतलब होप नहीं छोड़ने का, किसी भी लेवल पे होप नहीं छोड़ने का, एक बार ज़रूर अप्रोच करो। और अभी तो कुछ केसेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें डोनर एरिया से इस सिस्टम से भी निकलना पॉसिबल नहीं था, तो 3 to 4 months के लिए पहले मेडिकेशन दिया हमने, डोनर एरिया पूरा रिवाइव किया, फिर स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करी और फिर ट्रांसप्लांट किया। उन केसेस में भी रिजल्ट अभी काफ़ी अच्छे और फेवरेबल आ रहे हैं। तो अभी हमने 3 केस इस तरीके से किए हैं, उनका भी मैं रिजल्ट आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और ये सिस्टम बहुत बढ़िया जा रहा है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं डेफिनेटली वो बड़े प्यार से और बड़े विश्वास के साथ हम तक पहुंचते हैं, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने सारे सब्सक्राइबर्स का दिल से शुक्रिया। और इफ़ पॉसिबल तो नॉलेज को स्प्रेड आप करिए। जो नया सिस्टम है, अगर किसी का देखा आपने बहुत वीक डोनर एरिया है और कुछ ऐसी मैरिजेबल एज है जहाँ आप समझते हैं कि इसको, इस बच्चे को, इस व्यक्ति को इस ज़रूरत है इस चीज़ की, और अच्छे से अगर ट्रीटमेंट हो तो आप ज़रूर रेफरेंस दीजिए, शेयर कीजिए। सो हमें गर्व है इस चीज़ का कि सारी प्रोसेस हमने यहीं इंडिया के अंदर अपने डेवलप करिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब हम इसको पूरा, इसका सारा पेटेंट हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इसको प्राउड से गर्व के साथ दुनिया के अंदर हम इसको आगे प्रोपेगेट करेंगे और प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।